हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एलपी रवि चौहान में। और आज आपको बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा कि ये घर किसका है, तो ये है हमारे बैचमेट हरकेश गुजर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉय ऑफ अवर बैच, जिन्होंने की थी आईटीआई और हमारे बैच में किया था टॉप। तो ये वीडियो आज हम शूट करेंगे हरकेश के साथ, उसमें बताएंगे कि किस तरह से आप तैयारी करें, किस तरह से इन्होंने तैयारी की थी और खुद को किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचाएं। पर उससे पहले इस गर्मी को देखते हुए अपन एक लस्सी का सेवन करेंगे, घर की बनाई हुई लस्सी है, तो चलिए फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। मजा आ जाएगा। ठंडी में ये लस्सी मिल जाए दोस्तों, और चलती गाड़ी में कोई पकड़ा दे उससे जैसे मजा नहीं है, पर कौन ऐसे काम करेगा। तो बैठ, क्या 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 डाला है इसमें, चल बैठेंगे। चीनी है, पुदीना इसमें डाला है दोस्तों, चीनी और पुदीना। और गर्मी का मौसम है, देसी दूध की घर की दही की बनाई है छाछ देसी आदमी देसी रहना चाहना दोस्तों, क्या मतलब बनठन के क्या दिखाना। तो दोस्तों लस्सी वस्सी पी के हम हो गए बिल्कुल तैयार, और अब कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हरकेश है हमारे साथ में। हरकेश का हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें इनकी लाइफ के बारे में हमने पूरा एक्सप्लोर किया था, और आज बात करेंगे हरकेश के साथ में। ये वीडियो दोस्तों इसलिए लानी पड़ी क्योंकि बहुत सारी डिमोटिवेशन जैसी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, जैसे कि आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं कुछ मेरे साथ में जुड़े हुए व्हाट्सएप में भी, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि सर हमें किसी ने कहा कि अगर आपने आईटीआई की है तो आप जाने दो, छोड़ दो एलपी का सपना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे दिल से अच्छी नहीं लगी, तो इसके लिए मैं आज हरकेश से मैंने बोला कि यार एक वीडियो बनाएंगे भाइयों के लिए कि मोटिवेशन किया जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल हमने स्टार्ट किया है गुड्स से मेल की तरफ चलना, तो कुछ तो बातें उसकी करेंगे कि कौन सी अच्छी लगी है। फिर हम पूछेंगे हरकेश से कि आईटीआई में कौन सी बुक्स से इन्होंने पढ़ाई की, मेनली ट्रेड की, क्योंकि इन्होंने आईटीआई की तो ये और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। हमने भी वीडियो बनाई है, इनसे भी पूछेंगे आज। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों उन भाइयों के लिए जिन्होंने टेंथ की है और आईटीआई करना चाहते हैं और जल्दी से एएलपी के अंदर आना चाहते हैं, तो वो एक साल की ट्रेड कौन सी है और सबसे बेस्ट ट्रेड आने वाले फ्यूचर में वो कौन सी रहेगी, ठीक है। और कुछ 5 से 6 कमेंट्स दोस्तों के लेंगे जिन्होंने आईटीआई और ट्रेड पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनके जवाब मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि जिन्होंने इस लाइफ को एक्सपीरियंस किया होगा आईटीआई की वही अच्छे से दे पाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हरकेश सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि जिन्होंने टेंथ किया है तो वो उनके लिए आईटीआई में या एएलपी में आने के लिए कौन सा आईटीआई ट्रेड अच्छा रहेगा, एक साल का या रेगुलर में। तो दोस्तों एएलपी के लिए आईटीआई का ज़्यादातर दो ही ट्रेड को एलिजिबल दिया गया है, डीजल मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन। इसमें डीजल मैकेनिकल का कोर्स होता है 1 साल का और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता है 2 साल का। अच्छा। लेकिन जिन भाइयों के पास टाइम नहीं है, केवल 1 साल का टाइम है, वो केवल डीजल मैकेनिकल का कोर्स कर सकते हैं 1 साल का। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप भविष्य की तरफ देखते हैं तो प्रेजेंट का जो भविष्य है वो इलेक्ट्रीशियन का है, क्योंकि सब व्हीकल मोटर मैकेनिक सब जितना रेलवे सब इलेक्ट्रिफिकेशन पे ध्यान है, ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान है मोदी सरकार का, तो उसमें जो भविष्य है वो केवल क्यों इलेक्ट्रीशियन का ज्यादा है। तो जिन भाइयों के पास 2 साल का टाइम है वो इलेक्ट्रीशियन को ही प्राथमिकता दें। सबसे बेस्ट भी इलेक्ट्रीशियन ही है, हमने पहले भी बताया है ना। मैंने भी इलेक्ट्रीशियन से ही तैयारी की है, आईटीआई किया है, उसी ट्रेड से मैं इसमें आया हूँ। ये भी एक कमेंट है, तो इसको भी देखेंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो कि हरकेश बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं अपने पास में कि
कौन सी ट्रेड जो हम ट्रेड चूज करते हैं तो कौन सी बुक्स को हम प्रेफर करें? ट्रेड की तो वैसे तो बहुत सी पब्लिकेशन बुक हैं, लेकिन जिन लोगों को जो अपन ने पढ़ी है इनिशियल से पढ़ना है, जिनको अच्छे से समझ में आए, उनके लिए हरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है आईटीआई के लिए, हरिहंत पब्लिकेशन, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, जो इनिशियल बहुत अच्छा समझ आता है। लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको एडवांस तैयारी करना है, उसके लिए फिर उसका स्टैंडर्ड निमी पैटर्न का आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए निमी इंडिया लेवल की जो बुक आती है निमी पैटर्न पे, वो आईटीआई की आपको हर जगह मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिलती है आजकल, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चालू मिलती है वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अरिहंत की आप बुक उठा लीजिए, उसको बेसिक से कराया गया है दोस्तों। जिन्होंने बिल्कुल बेस कमजोर है, लंबा समय हो गया है टेक्नीशियन या आईटीआई किए हुए, तो वो अपना अरिहंत की उठाए, उसके बाद निमी पैटर्न की उठाए, है ना। और एक और आती है रॉयल बुक डिपो, ठीक है, उसकी भी आप ले सकते हैं। एक वीडियो पूरी इसके ऊपर दोस्तों मैं अच्छे से पूरा ब्रीफ करके बना भी दूंगा, पर अभी आप इन किताबों को ले सकते हैं, तो जल्दी से प्रोवाइड कर लीजिए। एक बुक ले लीजिए अभी अरिहंत की, समय है तो इसको पढ़े थोड़ा सा, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दोस्तों, कि पहले अभी हमें 2 साल हो जाएंगे तो सीनियर एलपी में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम दोनों एक ही बैच के हैं। तो अभी हरकेश आ गया है गुड्स से मेल पे, तो ये पूछेंगे कि मेल अच्छी है गुड्स? वर्किंग के टाइम टेबल के हिसाब से मेल एक्सप्रेस में काम करना अच्छा है, क्योंकि मेल एक्सप्रेस का टाइम शेड्यूल पंचुअलिटी है, उसका बराबर टाइम टेबल रहता है, गुड्स ट्रेन का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता वैसे तो, टाइम तो सब वर्किंग का रहता है लेकिन गुड्स का एक पंचुअलिटी नहीं रहता, उसको थोड़ा थोड़ा उसका समय नहीं है, उसका फिक्स समय नहीं है उसमें, आगे पीछे होता है। जबकि आप मेल एक्सप्रेस में काम करेंगे पैसेंजर में तो फिक्स समय रहता है, फिक्स टाइम जाना है, फिक्स टाइम आना है, ठीक है। अच्छा, अगर मेल अगर कोई काम कर रहा है तो उसको किस किस चीजों का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है भाई? गुड्स के बजाय मेल एक्सप्रेस में काम करना जिम्मेवारियां ज्यादा है, उसमें टाइम कम मिलता है, तो आपको पूरा अपडेट रखना पड़ेगा, कुछ भी ट्रबल आया तो उसको तुरंत ऑन द स्पॉट आपको ट्रबल शूट करना है, तुरंत निर्णय लेना है, अपडेट भी रखना पड़ता है, किताबों के साथ में पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों, अपना नॉलेज भी बराबर अपडेट होना चाहिए उसके बारे में जानकारी। और एक चीज और मेरे को जो लगती है वो ये है कि दोस्तों हमने करीबन 1.5 साल 1.5 साल 2 साल काम किया गुड्स में, तो 1-2 बारी 2-3 बारी एलआई साहब आते थे, वो भी काउंसलिंग के लिए लोको पायलट की। पर अब जब से हमने मेल काम करना चालू किया है तो लगभग 1 ट्रिप या 2 ट्रिप को छोड़ के उसमें ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिसर्स बोल तो हायर लेवल तक के आते हैं। पैसेंजर में काम करना है तो ऑफिसर मूवमेंट रहता ही है, किसी न किसी गाड़ी में कोई ना कोई ऑफिसर जरूर आज मिल जाता है, इसीलिए इसलिए अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। ऑफिसर आता है मूवमेंट में तो कुछ भी अपना चेक कर सकता है, वो नॉलेज टेस्ट कर सकता है, अपना पर्सनल स्टोर चेक कर सकता है, जो भी अपना रहता है पूरा जिम्मेवारियां तो है, जिम्मेवारी पूरा। अब कुछ कमेंट ले लेते हैं दोस्तों, तो एक है भाई कमता पांडे, उन्होंने पूछा है कि डीजल मैकेनिक से आईटीआई की है और वो चाहते हैं कि साइंस और फिजिक्स से वो ट्रेड चूज करें एएलपी का जब फॉर्म आएगा, तो क्या ठीक रहेगा? दोस्तों एएलपी में अलग अलग ट्रेड से अलग अलग कंपटीशन दिया गया ट्रेड टेस्ट के लिए, तो जिन लोगों ने आईटीआई करके ट्रेड टेस्ट पास करना है उसका स्टैंडर्ड अलग है, जिन लोगों ने 12वीं करके टेक्नीशियन में साइंस मैथ्स दिया है उसका स्टैंडर्ड अलग है, बीटेक वालों का स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन जिन लोगों ने केवल आईटीआई किया है तो उनको केवल आईटीआई ही ट्रेड चूज करना है उसमें, अगर वो साइंस मैथ्स का ट्रेड चूज करेंगे तो उसका कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा, उसका कंपटीशन का ट्रेड टेस्ट होगा साइंस मैथ के लेवल से आएगा, और आईटीआई का लेवल और साइंस मैथ का लेवल अलग अलग रहता है, अगर बीटेक का लेवल भी अलग रहता है, तो इसलिए अगर आपने आईटीआई किया है तो ट्रेड टेस्ट में केवल आईटीआई चूज करना है, जो आईटीआई का ट्रेड आप जिस से पढ़े हैं उसी को चूज करें, उसी को चूज, फिजिक्स और मैथ में मत घुसिएगा, नहीं तो दोस्तों लिपट जाएंगे पूरा, क्योंकि वो फिर +1 और +2 का फिजिक्स और मैथ आपको पूछेगा, फिर अपने को ऊपर से जाएगा, फिर वहाँ पे आपका ये जो सिलेक्शन है खराब हो जाएगा, ठीक है। वैकेंसी आपको पता ही है 3-4 साल में एक बार आती है। अगला जो कमेंट है वो आया था कुंदन कुमार जी के नाम से, उन्होंने पूछा कि मैंने इलेक्ट्रिशियन से किया है तो ट्रेड कौन सी लूँ? इलेक्ट्रिशियन से किया तो इलेक्ट्रिशियन ही ट्रेड टेस्ट चूज करना है, क्योंकि जो उसका बेसिक है वो आईटीआई से संबंधित ही पूछा जाएगा कंपटीशन में। अगर आपने दूसरा ट्रेड टेस्ट दिया है तो उसके हिसाब से टेस्ट आएगा, आपका पर्सनल ट्रेड रहता है उसमें कंपटीशन अलग अलग रहता है, आर का पेपर अलग आता है, आईटीआई ट्रेड का पेपर अलग आएगा, साइंस वालों का अलग आएगा और बीटेक वालों का अलग आता है। आपने जिस ट्रेड से आईटीआई किया है तो जिस ट्रेड का ही फॉर्म भरना है उसी ट्रेड में फॉर्म भरना है, उसी ट्रेड को चूज करना है, दूसरा ट्रेड दिया है तो दूसरा ट्रेड का ही पेपर देना पड़ेगा फिर आपको। अगला, अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ में हरकेश हैं,
ये भी एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इनकी भी कुछ जिम्मेवारियाँ थी, हो सकता है आपकी इतनी जिम्मेवारियाँ ना हो, और आपने भी आईटीआई किया, इन्होंने भी आईटीआई किया था, और आज ये हमारे साथ में 60 बच्चों में एक बच्चे थे आईटीआई वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप इनको बताइए कि भाई आप डीमोटिवेट ना हो। मोटिवेशन यही है दोस्तों, कंपटीशन का जमाना है, इसमें आईटीआई, बीटेक, एमटेक, साइंस कुछ मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता। हाँ। वो केवल आपका योग्यता है बस, लेकिन आपका कंपटीशन का तैयारी किस लेवल का है वो मैटर करता है। आप कंपटीशन किस लेवल से फाइट कर सकते हैं वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। और बस कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। ये जब आए थे ना, इन्होंने जब तैयारी की थी तो इनका घर जहाँ पे तैयारी कोचिंग करने जाते थे वो भी 30 से 40 किलोमीटर दूर था दोस्तों। वैसे इनकी जॉब लगने से पहले शादी हो गई थी, दो गुड़ियाँ थी, ठीक है, और घर के सबसे बड़े भाई होने के नाते इनकी कुछ परिवार के लिए भी जिम्मेवारियाँ थी, ठीक है। सभी की पारिवारिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती, ठीक है। तो आप अपने आप को भी इसी स्तर पर रख के तैयारियों को करें, और किसी की भी बात से आप डिमोटिवेट मत हो कि आईटीआई वाले सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, बीटेक वाले उनको ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं। बस आपको कंपटीशन लड़ना है, और अभी समय है, वैकेंसी आने वाली है, तो 5-6 महीने अगर आपने रगड़ दिया किताबों को, कंपटीशन कर दिया, ट्रेड थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, तो फिर आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ पाएगा दोस्तों। टेक्नीशियन और लोगों का वैकेंसी आएगा तो उसमें आईटीआई रहेगा जिसमें सबसे कम कट हो जाता है। हाँ। तो इसी का कंपटीशन सबसे कम है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए छोटी सी एक मोटिवेशनल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पहली बार चैनल पे आए हैं तो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।